विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होना है। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी बीच आज गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में बर्रा 8 ई ब्लॉक एफ ब्लॉक से प्रिया नर्सिंग होम तक रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी महेश त्रिवेदी के लिए वोट मांगे। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने सपा गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 मार्च को आने वाले नतीजे विपक्षियों के होश उड़ाने वाले होंगे। आने वाले 10 मार्च को एक बार फिर एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। अनुप्रिया पटेल ने भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर भाजपा प्रत्याशी महेश त्रिवेदी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि 5 साल के एनडीए के काम पर मतदाताओं ने विश्वास की मुहर लगाई है। रोड शो करने के लिए आई थी भैया, एक मिनट रुक लो, पीछे करो। रोड शो करने आई थी, किसके पक्ष में आप रोड शो करने आई थी, क्या माहौल है? आज मैं कानपुर में हूँ। कानपुर मेरा घर है, मेरा यहीं जन्म हुआ है, मैं यहीं पली बड़ी हूँ और मेरे लिए कानपुर आना अपने घर आने जैसा है। और यहाँ पे हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी श्री महेश त्रिवेदी जी के लिए मैं इस विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ कि आने वाली 20 तारीख को ईवीएम मशीन पर कमल के सामने का बटन दबाकर इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। अनुप्रिया जी, अखिलेश यादव का दावा है कि 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं, उनका कहना है कि वो 100 सीटें पार कर चुके हैं, भाजपा का वहाँ सुपड़ा साफ हो चुका है, क्या कहना है इस पर आपका? पहले 2 चरण के उत्तर प्रदेश के चुनाव में मतदाताओं के उत्साह को देखकर ये बात साफ है कि 5 साल के एनडीए सरकार के विकास पर मतदाताओं ने अपने विश्वास की मोहर फिर से लगाई है। और आने वाली 10 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो विपक्षियों के होश उड़ाने वाले। प्रियंका गांधी के सामने पंजाब में बाहरी का मुद्दा उठाया गया है, इस पर क्या कहना है आपका? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।